कहा जाता है कि भारत का किसान ही भारत की शान है। यदि किसान समृद्ध है तो राष्ट्र भी समृद्ध है। कुछ यही विचार वीएनआर सीट्स के भी हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों के हित में काम करना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम आप सभी लोगों का वीएनआर सीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो रामेश्वर सिंह जी हैं, जो कि वीएनआर का वाणी टमाटर लगाए हैं और इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा रहा और इनका एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा रहा और ये उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो रामेश्वर सिंह जी, आप सभी जानकारी आप यहाँ पे किसान भाइयों को आप दे दीजिए। मैं रामेश्वर सिंह, ग्राम कसिया खुर्द, पोस्ट कसिया कला, तहसील रावतगंज, जनपद सोनभद्र का रहने वाला हूँ। मैं इन साल वीएनआर का बाड़ी टमाटर लगाया। अन्य टमाटर की तुलना में ये इनका देखा जाए तो 15 दिन पहले निकलना स्टार्ट हुआ। इसका साइज लगभग 90 से 100 ग्राम रहा और टमाटर अब भी अच्छा खासा उपज दे रहा है। और ये अन्य की तुलना में इसकी देखा जाए, तुलना की जाए तो ये अन्य टमाटर की तुलना में हमें बहुत बढ़िया मुनाफा दिया। बहुत बढ़िया मुनाफा दिया सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो टमाटर था जी, इसका प्रोडक्शन अच्छा था। कितना लगाए थे आप? कितने? हम 3 बीघा लगाए थे। 3 बीघा आप खेत लगाया था जी, जो कि वाणी टमाटर यहाँ किसान भाई कह रहे हैं कि हम 3 बीघे में लगाए थे। तो अच्छा, हमें ये बताइए कि 3 बीघे आप लगाए थे, कितने दिन के अंतराल पे तुड़ाई करते थे आप? लगभग 50 से 55 दिन में हमने पहला फल इसका 55 दिन में पहली तुड़ाई की है जी। पहली पीकिंग उन्होंने 55 दिन में की। उसके बाद सर लगभग 3-4 दिन में एक तुड़ाई कर लेते थे। एक तुड़ाई, हाँ, 3-4 दिन के गैप में एक तुड़ाई करते थे। अच्छा, ये बताइए कि 3-4 दिन की, मान लीजिए 3 दिन, अक्सर 3 दिन होता है टमाटर तोड़ने का, 3 दिन गैप होता है जी। तो ये बताइए कि 3 दिन के बीच में तोड़ते जब थे आप, तो कितने कैरेट निकल जाता था? सर ये मैंने मान के चलिए कि अमूमन 1 बीघे में लगभग 10-8 क्विंटल निकल जाता था। एक 10-8 क्विंटल निकल जाता था। 40 से 45 कैरेट मान ले जी जी, 40 से 45 कैरेट पर बीघे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 बीघे इन्होंने लगाया था, यहाँ पे 1 बीघे की बात किया जा रहा है, तो 40 से 45 कैरेट फर्स्ट तुड़ाई में निकल रहा है। और ये जाते जाते कितने तक जाता था, कितने कैरेट तक जाते जाते? सर ये 1 बीघे में लगभग 70 से 75 जी। क्योंकि सभी किसान भाई यही कर रहे हैं 70 से 75 कैरेट तक जा रहा है जी, जी। तो ये 70 से 75 कैरेट तक जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें आपने एक चीज देखा, इसमें गुर्चा रोग? नहीं सर, इसमें अन्य रोगों रोग के प्रति सहनशील है सर। सहनशील है जी, मतलब इसमें बहुत रेजिस्टेंसी है जी, प्रतिरोधक क्षमता है इसके अंदर जी, प्रतिरोधक क्षमता है किसान भाइयों, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसी है। अगर आप इसे लगाते हैं तो गुर्चा रोग, जो कि पत्ती मुड़ने वाला रोग होता है, वो नहीं लगता। और एक रोग जो होता है वो विल्ट, पेड़ पूरा सूख जाना, ये रोग है इसमें? नहीं नहीं सर, एकदम नहीं है ना? एकदम नहीं सर, एकदम नहीं, एकदम नहीं है ना? नहीं, हम बहुत खुश हैं इस टमाटर को लगा के, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं जी जी। तो इसमें विल्ट की भी बीमारी नहीं होती है। विल्ट का मतलब आप जान रहे हैं कि पूरी पेड़ ही सूख जाती है, जो कि फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से होता है, पूरी पेड़ सूख जाती है, ऐसा मिर्च में आप देखते होंगे किसान भाइयों। तो अगला हम आपसे क्वेश्चन पूछना जा रहे हैं कि जो आप टमाटर जब तोड़ लेते थे, तो इसके बाद ये टमाटर कहाँ लेकर जाते थे बेचने? हम लोग के यहाँ से ही लोकल व्यापारी जो आते हैं, हाँ? यहीं से अपना हम तोड़वा के हम लोग दे रख देते हैं और वो आते हैं, अपना जो रेट रहता है मार्केट रेट, उस रेट में इसी जगह से वो उठा के ले जाते हैं। खुश रहते हैं वो टमाटर? भी खुश रहते हैं सर, हमारी टमाटर के लिए किसान लड़ जाते थे, मैंने व्यापारी लड़ जाते थे अपने, लड़ जाते थे अपने जी, आपके टमाटर के लिए जी जी। ऐसा खास चीज है, ऐसा खास, वो 90 से 100 ग्राम वजन था उसका, साइज उसका बरकरार एकदम बना रह गया। हाँ। इसकी वजह से अन्य टमाटर में सर छोटा बड़ा देखने को मिल जाता है। हाँ। इसमें क्या है कि कोई एक साइज का आपको देखने को था टमाटर, इसलिए कि जब व्यापारी आते थे तो लड़ जाते थे, मतलब उसका और हमेशा जी उसका आकार एक साइज का था पूरा जी जी। हाँ, कहीं छोटा बड़ा नहीं था, नहीं नहीं, एक साइज का आकार था और बहुत ही बढ़िया था। तो रामेश्वर जी, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि किसान भाई बहुत ही जानकारी लेना चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि आपका मुनाफा कैसे हुआ, हमारे टमाटर से मुनाफा कैसे हुआ? वाणी टमाटर, वीएनआर का वाणी लगाए थे, तो कैसे मुनाफा हुआ? सर हमारा पहले, सबसे पहले सभी हाँ। कंपनियों के पहले हमारा टमाटर निकलना स्टार्ट हुआ और हम मार्केट में जब ले गए पहली बार, तो मैंने
आगे हम ले गए, हमें अच्छा खासा रेट मिला, दो से तीन तोड़ाई में ही हमारा पूरा खर्च निकल गया। तो उस जो आप एक और टमाटर लगाए थे क्या बगल में? जी हम तो बहुत ज्यादा टमाटर, हम तो 7 बीघा टमाटर लगाते हैं। हाँ जी। लेकिन हमने 3 बीघा ही सिर्फ बाड़ी टमाटर लगाया था, 3 से 3.5 बीघे। जी जी जी। तो जब हम ले गए मार्केट में, अन्य टमाटर हमारा बहुत लेट निकलना शुरू हुआ जी। और उसके पहले जब हमारा बाड़ी निकलना शुरू हुआ तो हम जब मार्केट में ले गए तो हमें अच्छा खासा इनकम मिला। अच्छा अच्छा खासा इनकम मिला। तो जो बगल में आप टमाटर लगाते हैं अदर कंपनी का, उसे 3 तुड़ाई या 4 तुड़ाई पहले निकला कि नहीं? सर हम कम से कम 3 से 4 तुड़ाई पहले ही हम इसको BNR जब 3-4 तुड़ाई बेच लिए तब वो निकलना शुरू हुआ। तब वो निकलना शुरू हुआ। तो अच्छा ये बताइए, जो 3 तुड़ाई 4 तुड़ाई निकला आपका, उससे आपका पूरा खर्चा निकला या नहीं? नहीं हम बताए ना, पहले ही आपको बताए कि हम 3 तुड़ाई में ही हमारा पूरा खर्च निकल गया सर, खेत का जी, बीज का जी, और दवा का जी, और क्या कहते हैं उसका लेबराना जो होता है, कोड़ाई निराई कोड़ाई जी, ये सब हमारा खर्च 2 से 3 तुड़ाई में निकल गया। अच्छा हम एक चीज आपसे और भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि किसान भाई ये बहुत ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि ये बताइए कि जो फ्रूट की साइज है, फ्रूट की साइज पे हर किसान पूछना चाहता है कि उसकी फ्रूट की साइज क्या, तुड़ाई करते वक्त अधिकतम तुड़ाई करने के बाद क्या फ्रूट की साइज छोटी हो जाती है? नहीं सर, नहीं सर, वो उसकी साइज बरकरार, मैं बताया ना कि किस, जो व्यापारी हैं अपने में लड़ जाते थे, किस लिए कि उसका साइज बना था, एक बरकरार साइज था, एक बरकरार साइज मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही साइज बना रहता था। जी, जी जी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। जी तो यही बात है किसान भाइयों की, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे किसान भाई हैं जो कि पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि टमाटर जो है उसकी साइज पूरी तरह क्या है। अगर शुरू से तुड़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट तुड़ाई, सेकेंड तुड़ाई, थर्ड तुड़ाई या 10th तक जा रहे हैं, तो सारी तुड़ाई जो भी है इसकी क्या है, फ्रूट का साइज जो होता है वो सेम है। ऐसा नहीं कि एक फ्रूट छोटा होने लगा या तो डाउन हो लगा, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो अब हम रामेश्वर जी से कहेंगे कि ये कुछ किसान भाइयों को संदेश दें कि उनको ये टमाटर क्यों लगाना चाहिए, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या खास बातें हैं, ये सभी चीज़ें ये अभी बताएंगे आपको, डायरेक्ट बता देंगे, तब आप उनसे और भी ज़्यादा संतुष्ट होंगे, और ये संतुष्ट है या नहीं ये भी आपको बताएंगे। तो रामेश्वर जी किसान भाइयों को अपने संदेश दीजिए जिससे वो भी आपसे प्रेरणा ले, वो भी कुछ करें, बताइए। मैं रामेश्वर सिंह, ग्राम कसियां खुर्द, पोस्ट कसियां कला, तहसील रावर्सगंज, जनपद सोनभद्र का रहने वाला हूँ जी। मैंने BNR कंपनी के जो बाड़ी टमाटर लगाया है जी, इसकी उपज काफ़ी अच्छी रही जी, और मार्केट में 15 से 20 दिन पहले पहुँचा और उससे अच्छा खासा हमको मुनाफा हुआ जी, जिसकी वजह से हम किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इसको लगाएं, इसके बारे में देखें जी जी, उससे और क्या है कि जब लगाएंगे किसान भाई तो वो खुद ही इसके बारे में देखेंगे क्या इसकी खासियत है। तो किसान भाइयों यहाँ पे आपने देखा कि रामेश्वर जी जो कि पूरा आपको टमाटर वाणी के जो टमाटर लगाया गया था VNR की, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड करा दी। अगर आप किसान भाई हैं, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप ज़रूर VNR की वाड़ी टमाटर लगाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। सबसे बात खास चीज़ें इसमें यह है कि यह 3 तुड़ाई आपको पहले देती है, और 3 तुड़ाई अगर आपको पहले मिल गई तो उसका मार्केट वैल्यू आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा, जिससे आप अच्छी कमाई कर पाएंगे, और अच्छा प्रोडक्शन अगर मिलेगा तो आप अच्छी कमाई कर पाएंगे, और अगर मार्केट में आपका पहले जाएगा तो उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रहेगी, उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं, रामेश्वर जी से इजाज़त लेते हैं और आप सभी से इजाज़त लेते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।